नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आज शो नेशन। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आईपीएल 2022 यानी आईपीएल सीजन 15 की शुरुआत 2 अप्रैल से होने जा रही है। तो आइए जानते हैं कौन कौन थे वे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल के सीजन 14 में कमाल और धमाल का प्रदर्शन किया था। अगर हम 2021 के टॉप रन स्कोरर की बात करें तो सबसे पहले नंबर है ऋतुराज गायकवाड़ का, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए 635 रन बनाए थे। और वहीं सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल सबसे आगे हैं। हर्षल पटेल ने 32 विकेट चटकाए थे। और IPL में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो इसमें जोस बटलर का नाम सबसे आगे आता है। जोस बटलर ने राजस्थान की ओर से खेलते हुए 124 रन बनाए थे। अगर हम IPL 2021 की बात करें तो मात्र 4 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने 100 के पार का आंकड़ा छुआ था। नंबर 1 पे हैं ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, जोस बटलर। और वहीं अगर हाफ सेंचुरी की बात करें तो हाफ सेंचुरी के मामले में फैफ डुप्लेसी, KL राहुल, ग्लेन मैक्सवेल तीनों ने 6-6 अर्धशतक लगाए थे और इनमें बहुत सारी लिस्ट लंबी है। और जब हम बात IPL की करें और IPL में अगर हम सिक्सेस की बात ना करें तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो IPL सीजन 14 में KL राहुल थे सिक्सर किंग। KL राहुल ने 30 छक्के लगाए थे। और जहाँ सिक्सेस होते हैं वहाँ फोर्स भी होते हैं, तो फोर्स के मामले में सबसे नंबर 1 पे हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 64 चौके लगाए थे। तो अब तो ये देखने वाली बात होगी कि IPL के सीजन 15 यानी IPL 2022 में कौन कितना कमाल का प्रदर्शन दिखाता है और कौन कितने नए रिकॉर्ड बनाता है। तो स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए आसवन नेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।